पटाखे के साथ चल गई कई जिंदगियां। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार शाम को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग से 17 लोगों की मौत हो गई। बवाना की पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में महिलाओं की शिफ्ट रोजाना 9 से 5 बजे तक होती थी, लेकिन शनिवार को फैक्ट्री मालिक मनोज ने सभी से कहा कि माल कहीं जाना है, इसलिए वो ज़्यादा ओवरटाइम करें। इसके चलते महिलाएं 5:30 बजे के बाद भी काम करती रहीं। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री से निकलने का एक ही गेट था, जिसकी वजह से हादसे के वक्त वहां काम करने वाली मजदूर फैक्ट्री में ही फंस गए। वहीं इस फैक्ट्री में आग लगने के बाद 2 लोग 3री मंजिल से कूद गए थे। इन दोनों लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम 6:21 बजे फायर विभाग को कॉल मिली कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 5 में एक फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन उस वक्त तक फैक्ट्री में जो भी था वो आग की चपेट में आ गया था, और इसी आग की चपेट ने उन 17 लोगों की जान ले ली जो कि उस समय आग की लपटों से घिर चुके थे।